और जैसा कि देख पा रहे होंगे आप इस वीडियो के अंदर का हम बात कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम हुआ था 2012-13 में, सेट ए है और ये आपके प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है। किसका है ये? एस्टेट का। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं ये तो मालूम होगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये 2012-13 का ये ध्यान रखना, उस टाइम पर देखो, ध्यान से देखेंगे तो देखो CDP के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, यानी कि पुराना पैटर्न है, ठीक है। फिर भी हम पुराने पेपर देख रहे हैं तो सभी को देखते चलेंगे कि क्या क्या पूछा जाता था पहले भी। तो देखिएगा जो CDP है ना, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे संबंधित क्वेश्चन पहला ही पूछा है कि NCF 2005 जिसे बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, यानी एनकरेज करता है, यानी ये समावेशी की बात करता है और एकीकृत की भी बात करता है। तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी विशेष शिक्षा और नियमित इनकी बात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक और दो दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है, यानी परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है क्या, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चलना, ठीक है। यानी परिपक्वता है ना, ये आपकी एक ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। ऑटोनोमस प्रोसेस का मतलब ये स्वयं से संबंधित होती है, यानी ये एक तो बायोलॉजिकल होती है यानी जन्मजात होती है, इसकी लिमिटेशन फिक्स होती है यानी एक समय सीमा होती है, उसके बाद ये कह सकते हैं इसका विकास है वो रुक जाता है, ठीक है। तो चलना है वो एक परिपक्वता का उदाहरण हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी चित्रांकन करना ये बात की प्रोसेस है, पढ़ना भी बात की है, साइकिल चलाना भी हालांकि विकास से ही संबंधित होती है, लेकिन हमें परिपक्वता के संदर्भ में बताएंगे ना, तो वो चलना है ना वो एक बालक सीखता है परिपक्वता के, ठीक है। यानी वो एक मैच्योरिटी नहीं आएगी जब तक आप नहीं चल पाएंगे, बच्चे का खड़ा होना ये निश्चित तौर से, जब बच्चा तभी खड़ा होगा जब उसका परिपक्वता जैसे जैसे आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का एक पहलू नहीं है, जैसे संज्ञानात्मक तो होता है, भावात्मक भी होता है और आपका क्रियात्मक भी होता है, लेकिन जो आध्यात्मक है ना जिसे स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो ये नहीं होगी। हालांकि ये शिक्षण उद्देश्यों के 3 डोमेन थे जो ब्लूम ने बताए थे, तो वो ये उनसे संबंधित हैं। ध्यान रखना कोरेटिव है ना, इसकी जगह पर साइकोमोटर यूज की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शब्द उस दौरान यानी पुराने समय में पूछा है 12-13 में, तो उससे संबंधित है। बाकी क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 8 नंबर, अब ये क्यों 8 कर लिया क्या, अभी तो तीसरे पे ही पहुँचे, 8 कहाँ से कर लिया, ये 8 जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, यानी ये कह रहा है आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये कह रहा है कि हम देखो जब भी आप हैं ऐसे बात कर सकते हैं हम, जैसे आजकल अधिकतर विद्यालय में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, वो होते हैं योग्यता के स्तर पर, ठीक है, एबिलिटी लेवल देखा जाता है। एक चीज ध्यान रखना इसमें, एक ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है कि बच्चा है अगर वो वंचित है किसी प्रकार से और वो एडमिशन लेने आता है क्लास में, तो आप उसकी उम्र के आधार पर देंगे यानी आयु स्तर के आधार पर उसे एडमिशन देंगे, एडमिशन ये ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ये वो योग्यता स्तर पर ही हम संभागीय समूह के लिए प्राथमिकता ध्यान आधारित करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। सिंपल सा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी तो उन्होंने अपना एक संज्ञानात्मक डोमेन बताया था, उनमें से इसमें कौन सा संबंधित नहीं है ये बताइएगा। तो उसकी ट्रिक है कुआ से क्या होता है, कुआ से ये स्टेप है, कैसे हो जाएगा नॉलेज, इसमें नॉलेज कहीं दिखाई दे रही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है नहीं है,
एप्लीकेशन कुआ से, तो देखो पहला मैंने बताया था नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा होगा, तीसरा सही तो बताया था एप्लीकेशन अनुप्रयोग। देखो एप्लीकेशन ये रहा चार नंबर ऑप्शन में, यानी ये तो संबंधित हो जाएगा इससे। फिर एनालिसिस दिखाई दे रहा है, यानी पहली इसे एप्लीकेशन, दूसरी इसे एनालिसिस। तो पहले ऑप्शन को देखिएगा, विश्लेषण है ना, एनालिसिस ये इसी से संबंधित हो जाएगा। ऐसे होता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण, इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसे होता है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, तो मूल्यांकन तो दिखाई दे रहा है दो नंबर, तो इससे मिल जाएगा। इसमें जो संबंधित नहीं था वो था आत्मानुभूति, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हालांकि देखो इसका आंसर तो यही हो जाएगा तीन नंबर, मैं तो निकाल के बताया, इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ये संज्ञानात्मक जो डोमेन होता है यानी जो कॉग्निटिव डोमेन होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है ये। और तो इसके सिक्स स्टेप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ये निम्न स्तर होता है, ये सबसे उच्च स्तर होता है। तो ये चीज़ हम हो गई थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। हम अब्राहम मैस्लो पढ़ते हैं, तो मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उसमें एक लास्ट स्टेज आती थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो मैं अब इसे लगे हाथ इसे भी बता दूँ। उसकी ट्रिक थी पी स्लैश, ये मैंने कई बार बताया है। पी का मतलब फिजिकली आवश्यकता, भूख प्यास, एस का मतलब होता है सेफ्टी सुरक्षा, एल का मतलब लव होगा, एस्टीम का मतलब सम्मान पाना होता है, और ये होती है पाँचवीं अवस्था जो सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये यहाँ से पूछा है इन्होंने डाल के। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़ जाने पर वो सजा मिलने का डर था। तो ये कोलबर्ग के किस स्तर को समझा रहा है, तो आप भी जानते होंगे कोलबर्ग ने थ्री लेवल सिक्स स्टेजें बताई थी। जो पहली लेवल होती है जैसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड होती है कन्वेंशनल लेवल, लास्ट होती है पोस्ट कन्वेंशनल। ये थ्री लेवल हो गई, वन टू थ्री। अब प्रत्येक लेवल में दो दो अवस्थाएं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो आप इनमें अवस्थाओं में बताइएगा कौन सी अवस्था में बच्चे डरने लगते हैं, यानी सजा का भी डर रहता है और सजा होगी तो निश्चित तौर से डर लगेगा। तो ये पहली अवस्था है ना, जिसे बोलते हैं हम ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? ओबीडेंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें क्या हो, दंड एवं आज्ञाकारिता, यानी ये है बच्चे है दंड और आज्ञाकारिता से डरते हैं, इसमें ये नैतिकता का गुण होता है। तो ये पहली यानी कह सकते हैं ये किस में आ रही है, पूर्व परंपरागत में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये किसने दिया था, ये दिया था नैतिक विकास सिद्धांत है यानी मॉरल थ्योरी है, ये आपके लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत होगा। नवाचारी का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, इनोवेटिव, जैसे कि इनमें से सभी को देखिए, जैसे टेलीस्कोप ये तो देखने के काम में आती है, इंटरनेट ये दुनिया को देखने के काम आई, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक एक लिमिटेशन है, और बाकी ब्लैकबोर्ड तो जो परंपरागत होता ही है। तो इनमें नवाचारी होगा ना वो इंटरनेट होगा, इसके आधार पर आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, तो इस वजह से माना जाएगा नवाचारी स्रोत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु है 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हम टर्मन का सूत्र लगाएंगे, टर्मन का सूत्र क्या था कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है आई क्यू यानी इंटेलिजेंट क्वाटियंट बराबर होता है मानसिक आयु एम ए मेंटल एज, शारीरिक आयु सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये सूत्र होता है, जो वो कह रहा है उसे इसमें फिट कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल आएगा। कैसे, ए स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब सी ए, ये कितनी देर रखी है 10 वर्ष, तो इसे रखेंगे नीचे 10। फिर कह रहा है कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज, और मेंटल एज को एम ए कह रहे थे, इसकी कितनी देर रखी है 12। तो ये जो फिट है ना ऐसे ही कर लीजिएगा, 0 से 0 और 12 का गुणा 10 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी उसकी आई क्यू कितनी निकल के आई,
120, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, इसमें पूछा है कि विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा संभावित होगी। भागीदारी का मतलब ये है कि विद्यार्थी है, कुछ भी चीज़ है, वो खुद से करके सीख रहा है, समझ रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें इन्वॉल्व कितना है बच्चा, यानी रोल प्ले खुद कर रहा है या वो कोई सहयोगी माध्यम के आधार पर कर रहा है, यानी टोटली बात ये है बच्चा खुद करके सीख रहा है, सिंपल सा लॉजिक ये है। व्याख्यान विधि में तो ऐसा होता नहीं है, पाठ्यपुस्तक विधि में भी ऐसा नहीं होता है। अब ये सर्व दृश्य, अब लॉजिक लगाना यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। लॉजिक ये निकल कर आएगा कि सर्व दृश्य तो एक शिक्षण सहायक सामग्री होती है, तो ये भी ऐसा 100% नहीं है कि बच्चा इसमें भागीदारी करे, ठीक है। लेकिन वार्तालाप विधि का मतलब समझ लो, डिस्कशन, कोई भी टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे, निश्चित तौर से जो बच्चा जानता है ना, जो उसके पूर्व अनुभव रहे, वो निश्चित तौर से उसमें इन्वॉल्व होगा और उन चीज़ों को बताएगा, तो निश्चित तौर से वो बच्चा करके सीखेगा, यानी किसी और से ज्ञान मिलेगा तो उसे ऐड कर लेगा अपने में, और जो जानता है वो तो बताएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें क्या पूछा है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, ये विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। देखो दोनों की आयु तो समान है, सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, तो बताइए किसकी वजह से होगा। जैसे परिमार्जिता के सिद्धांत, जैसे बॉडी फेयरिटी बोलते हैं, यानी मॉडिफाई एबिलिटी, या निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट या प्रिडिक्टेबल पैटर्न होगा, ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत होगा, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत का मतलब समझ रहे हो। देखो यहाँ दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये कारण यही है कि दोनों की आयु समान है लेकिन उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है इस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं बहुत सारे। मानव जाति का विकास होता है, यानी मानव जाति में विकास होता है तो वो जीवन पर्यंत होता है, जब भी विकास आ जाए ना डेवलपमेंट, तो उसका विकास है जब भी गर्भधारण होगा और जब तक वो मर ना जाए तब तक होता ही चला जाता है, यानी कुछ ना कुछ तो शरीर में विकास होता ही रहता है, तो वो जीवन पर्यंत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा शिक्षण में अधिगम के किस रूप में पहचाना जाता है, यानी कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है। ऐसे व्यक्ति का समय सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञता, व्यवहार परिवर्तन, विशेष रोजगार के लिए तैयार। अब इसमें अधिगम को हम देखेंगे व्यवहार में परिवर्तन, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, आपका स्किल हो, ठीक है, नॉलेज हो, स्किल हो, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो हम कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होंगे वो पहचाना जाएगा अधिगम के रूप में, कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। इसमें से अगर विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। इसमें से देखो, विद्यालय हमारी संस्कृति विरासत को संरचित एवं प्रेषित करता है, या निश्चित तौर से जो भी प्रार्थना वगैरह होती हैं, या जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी को निश्चित तौर से डांस वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, कल्चर की तो भाग हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बात तो सही है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करता है, ये भी बात सही है। जैसी बुकें यानी करिकुलम होगा निश्चित तौर से उस कल्चर संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है, और उससे बहुत सारी चीज़ें जीवित भी रहती हैं, यानी शिक्षा से, जैसे कोई लैंग्वेज हो गई और बहुत सारी चीज़ें, कोई नाटक, गीत, संगीत, जो कल्चर के हो वो सभी, क्योंकि बुकों को हम बार बार पढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर 9th 10th या 6 से लेकर 10th तक की बुक होती है, उसमें क्या है, जो बोर्ड का बोर्ड होते हैं लोकल मीन्स यार स्टेट का अलग होता है, तो वहाँ के कल्चर, ज्योग्राफी और वहाँ के आर्ट एंड कल्चर आ गया, वो भी इंक्लूड रहता है, पॉलिटी, ये सभी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, आपके सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित ही होती है, तो ये यंत्र का काम करेंगी क्या विद्यालय, तो ये भी बात सही है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्च स्तरीय विकास तक विकसित करता है, ये भी बात सही है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों को बुरी भावना का विकास करते हैं, ये गलत है।
ध्यान रखना विद्यालय एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ पर जातिवाद नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का शिक्षक हो, किसी भी जाति का हो, सभी को सम्मान मिलता है। ये चीज़ तो आप भी जानते होंगे, जितना शिक्षक को रेस्पेक्ट मिलती है इतनी किसी को नहीं मिलती। तो इसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा 4, बाकी तो तीनों सही ऑप्शन थे। नेक्स्ट है कि गिफ्टेड यानी मेधावी छात्र को इंग्लिश में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। जो गिफ्टेड होते हैं ना वो तो फिर यानी वो होते हैं एक तरह से प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो हमें बताना था इनकी विशेषता ही बतानी है। देखो 4 तो इन्हें दे रखे हैं और इनके फिर कोट दे रखे हैं, बताइएगा कौन से सही हैं। तो इसमें और नीचे कुछ दे रखा है क्या? देख थोड़े कुछ नहीं दे रखा है, इन्हीं में से बताएं। तो फिर चौथा ऑप्शन क्या है? यहाँ पर कट रहा है, ध्यान रखना ये चौथा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या कह रहा है कि जो गिफ्टेड यानी मेधावी छात्र होंगे उनके लक्षण क्या है। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं कि अभिव्यक्ति में नम्यता का मतलब ये है कि जो आपकी नॉवेल्टी होगी ना इन एक्सप्रेशन, यानी जो भी चीज़ बोलेगा ना उसके शब्द और जो वर्ण और जो उसकी व्याख्या करने का तरीका, वो उनमें उसे आपको नयापन महसूस होगा, नम्यता, ठीक है। तो ये बात सही है। जिज्ञासा का मतलब ये है कि उनके अंदर क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ की जानने की या बताने की, ठीक है। तो ये क्यूरोसिटी हो जाएगी। वाचलता का मतलब होता है टॉक एक्टिवेशन, यानी बातीला, यानी जो लगा रहता है हर टाइम पे बात करने, तो ये तो लॉजिक रहता है। अति सक्रियता का मतलब होता है ये तो फिर जो आपके मानसिक विकार होते हैं या विकासात्मक विकार होते हैं ना डिसऑर्डर, तो ये तो उनकी बात होती है। अतिशीघ्रता तो ठीक है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है अतिशीघ्रता। तो हम कहेंगे 1 और 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये मेधावी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना उनकी विशेषता मानी जाती है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये कह रहा था जैसे समावेशी कक्षा है तो उनके लिए शिक्षक को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे हम, तो जैसे कि व्यवहारिक सामाजिक क्रियाओं को संपूर्ण भागीदारी ये तो होनी चाहिए, इस बगैर तो समावेशी शिक्षा कैसी। समस्या के क्षेत्रों के बालकों को शीघ्र से सतर्क संपर्क रहना निश्चित तौर से, इसके लिए बहुत सारे मूल्यांकन भी किए जाते हैं, जैसे निदानात्मक अगर कोई कमी पाई गई है तो फिर उसके बाद उपचारात्मक किया जाता है। तो बहुत सारी है, जैसे इसमें दे भी रखा है कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया का अधिकतर प्रयोग, तो ये भी बात सही है। निदानात्मक का मतलब होगा बच्चे सीख नहीं रहे तो उनके कारण जाने जाते हैं, उस कारण का निवारण इसे उपचारात्मक में किया जाता है, ठीक है। बाकी धैर्यशीलता का कम होना, ध्यान रखना आप शिक्षक है ना तो पेशेंस लेवल तो आपके इतना होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और आप बच्चे पर हाथ भी नहीं लगा सकते, नहीं तो 17 नंबर की धारा लग जाएगी। आपने आरटी एक्ट पढ़ा हो, आपको ना सस्पेंड कर दिया जाएगा, सीधा घर बैठो, उस आधी सैलरी लो, हो सकता है टर्मिनेट भी कर दें, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ आप भी जानते होंगे। टीचर तो एक फैसिलिटेटर है, जैसा आप बच्चे चाह रहे वैसा पढ़ाते जाओ, मस्त रहो, आप भी रहो वो भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण है सबसे अच्छा तरीका रहेगा। मतलब कक्षा 3 का है, कक्षा 3 का मतलब ये हो गया उसके करीबन 8-9 साल का है वो, अब उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा। हालांकि देखा जाए ना जहाँ पर भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी हो ना वही सबसे बेस्ट रहेगी। हालांकि इसमें देखो एक अगर लेक्चर मेथड को काट दें, क्योंकि ये अपर क्लास या ऊँची कक्षाओं के लिए होती है ये, मतलब प्राइमरी लेवल पे नहीं होती है, तो ये तीनों पॉइंट है ना ये पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना बात को। अब ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है, अब इनमें से भी सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगी सृजनात्मक क्रियाकला। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता फिर क्या लगाते आप, फिर हम जाते समूह वार्तालाप पे। अगर ये भी ऑप्शन नहीं होता फिर किस पे जाते, फिर हम जाते प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। समझ गए, यानी ये आपको ये लॉजिक है, जब आप विधि किसी की भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, या कोई अन्य सब्जेक्ट की, ये विधियाँ कॉमन होती हैं, यानी सभी में समान होती हैं। हालांकि हम तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं पर वहीं से ये सेंस निकल के आते हैं। फिर बाकी CDP की भाग होते हैं ये टेप टीचिंग मेथड वगैरह, अलग थोड़ी हैं ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 वाला है, इसमें कह रहा है कोरबर के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता वह दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। तो देखो कितनी बार पूछ लिया, ये सिंपल है।
अगर आपसे पनिशमेंट की बात करे, यानी आपसे सिंपल सा है कि जो आपके 3 लेवल बताए ना आपके कॉलबर्ग ने, जिसमें से पहला लेवल कौन सा था जिसे बोलते हैं प्री मॉरल लेवल। देखो ये बहुत पुरानी बुक रही है, ये पुराना पेपर है, तो इसमें देखो इसमें प्री ऑपरेशन नहीं दे रखा है, अरे सॉरी प्री ऑपरेशन नहीं, प्री कन्वेंशनल, जैसे प्री मॉरल दे रखा है केवल इसने। कन्वेंशनल आप जानते होंगे इसे ही आप बोलते हैं परंपरागत, दूसरी लेवल की हो जाएगी, तीसरा इसमें है ही नहीं। लेकिन देखो इसमें इसने सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल लगा दिया, यानी कि तीसरे नंबर की अवस्था, ये ध्यान रखना ठीक है। तो ये है क्या इसमें देखा जाए ना, तो हालांकि ये पोस्ट कन्वेंशनल लग के आना चाहिए या उत्तर परंपरागत, ऐसा कोई शब्द नहीं है ठीक है। तो हमें है ना, मैं भी लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ इसमें ठीक है, यानी मैं इसे मान ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे ये मालूम है कि ये जो बात हो रही है ना वो पहली अवस्था मतलब लेवल पर ही बात हो रही है, क्योंकि मालूम नहीं है तो फिर इसमें वो नैतिकता स्तर, तो नैतिकता स्तर की इंग्लिश भी मॉरलिटी दे रखी है, वो तो सभी में लग रखा है, तो इसे भी काटिए। ये मैं ऐसे नहीं है कि ये कुछ पुराना पेपर है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है जिसने भी सेट किया है वो सही से नहीं किया है। इसमें लास्ट में आपको मालूम है उत्तर परंपरागत नैतिकता आएगी, उत्तर या पोस्ट कह लेते हैं। अब जब भी आपको दंड वह, यानी अब मैं आपको बताऊँ इसका लॉजिक ये होता है कि जो आपका पूर्व नैतिक स्तर है, इसका दो भागों में बांटा था, फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट होता है ना इसे ही बोलते हैं पनिशमेंट, यानी सॉरी ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, यानी दंड एवं आज्ञा का था। तो ये आपकी होती है पहली लेवल की पहली अवस्था ठीक है, ये दो अवस्थाओं में डिवाइड होता है पहला लेवल, तो ये उसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर इस पर इसका पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा TAT जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में थर्मेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट, TAT मापने के लिए, यानी ये व्यक्तित्व के मापने के लिए होता है। तो व्यक्तित्व को जो आप मापेंगे तो किस आधार पर मापेंगे, यानी ये आत्मनिष्ठ तकनीक है, ये वस्तुनिष्ठ तकनीकी है, या आपकी प्रक्षेपीय तकनीकी है, या प्रयोगात्मक तकनीकी है। तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो आपका देखो IBT इंक ब्लॉक टेस्ट हो, CAT जिसे बोलते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी हो, चाहे TAT ये हो, या FWAT ये हो, इसके अलावा आपकी SCT ये हो, PFT ये हो, इसके अलावा खेल और तकनीक विधि हो, ड्रामा विधि हो, कहानी विधि हो, ड्रॉ एंड मेन परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी तकनीकी में आते हैं ठीक है। मैंने इतने नाम बता दिए हैं, आप इन्हें रट्टा मार लेना, ये आपको परीक्षा मिल ही जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन ठीक है। तो इस प्रकार था ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जीन पाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पूर्व से क्रियात्मक की आयु कितनी होगी, 2 से 7 होगी, ये तो आप भी जानते होंगे। प्री ऑपरेशनल सॉरी सेंसरी होगा ये वाली, प्री ऑपरेशनल ये हो जाएगी, ये मूल सक्रियात्मक की विशेषता यानी उम्र दे रखी ठीक है। और बाकी लास्ट बची है फॉर्मूला, उसकी तो फिर 11 के बाद होती है, हालांकि इसमें 12 दे रखा है, 11 होती है। ये मैंने एक तरीका बताया कि ये लॉजिक से आप उन अवस्था को भी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला है वो NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए, यानी आपसे कह रहे हैं ना एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, तो उसका दाखिला है NCF 2000 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस आधार पर होना चाहिए, यह नियमित विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय समावेशी में एकीकृत। कितना लॉजिक का क्वेश्चन पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो चाहे टूटा हो, लंगड़ा हो, भेड़ा हो, कैसा भी हो, चाहे वो विकासात्मक विकार हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी विकार हो, चाहे वो देख नहीं सकता, चाहे सुन नहीं सकता, चाहे वो अन्य क्रिया नहीं कर पाता, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम तो सभी को एक छत के नीचे बैठा के पढ़ाएंगे, उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नता तो पाई जाती है, ये संयुगों का परिणाम होता है जिसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर ये शब्द नया यूज किया है, ये सतत प्रक्रिया होती है, और यार ये तो फिर प्रेडिक्टेबल भी होता है, पूर्व कथन ही होता है, तो फिर गलत कहाँ कर रहे हैं हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं,
हम गलती कर रहे हैं तो फिर ये गलत होगा, विकास संयोगों का परिणाम है, ये कहना गलत है। हाँ ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हो सकती है वो गलतियाँ हो जाती हैं, क्वेश्चन सही ढंग से ना पढ़ना। ये कह रहा है डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस नहीं होता है, ध्यान रखना, संयोगों का परिणाम ना होके विकास है, ये संचयी प्रक्रिया होती है जिसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, ठीक है, संचयी प्रक्रिया होती है, यानी इनमें विकास का जो जो विशेषता होती है वो इकट्ठी होती रहती है, तभी तो हम कहते हैं जिसका विकास है वो स्पायरल होता है, यानी बर्तला का स्पायरल कहने का मतलब यही होता है, क्यूमुलेटिव यानी संचयी प्रकृति होती है, यानी ये विकास है लगातार चलता रहता है, तो कहीं कहीं पर धीमा हो जाता है, रुक सा जाएगा, फिर धीमा धीमा, फिर तेज हो जाएगा, फिर धीमा धीमा धीमा, फिर तेज, फिर धीमा धीमा, तो ये संचयी प्रक्रिया होती है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कथन नंबर दो, कि ये संयोगों का परिणाम है, ये कहना गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा जो पूछा है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्याजी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समष्टिकरण, इसे इंग्लिश देखिएगा, एकोमोडेशन किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था एसिमिलेशन का मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जुड़ना, एकोमोडेशन का ये है कि पूर्व ज्ञान में अब है आप या तो मॉडिफाई करें या चेंज करें या परिमार्जन करें या बदल दें, कुछ भी कीजिएगा, यानी चेंजिंग होनी चाहिए उसमें, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें। पहला कह रहे कि पूर्वती विद्यान वो सॉरी पूर्वती विद्यमान बौद्धिक संरचना तथा वातावरणीय मांग का मिलान करना, तो यार मिलान मीन्स ये है कि वही अभी पूर्व ज्ञान है ना, वही बात हो रही है, ठीक है, यानी पूर्वती कोई आपका ज्ञान है बौद्धिक में, वो वातावरणीय मांग का मिलान, यानी जो वातावरण में जो सीख रहे हैं वो सही प्रोसेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है चिंतन के नए तरीके का समावेश तथा पूर्वती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार, देखो सुधार आ गया ना, कहाँ सुधार, और सुधार को इंग्लिश में यहाँ पे क्या गया, मॉडिफिकेशन, चाहे वो मॉडिफिकेशन वो मैंने बताई चेंज हो या अन्य कोई परिवर्तन जैसी बात हो, तो वही राइट आंसर हो जाएगा इसका, यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यवस्था थी, ये तो अच्छी बात है, ये उसमें चला जाएगा अपना साम्यवस्था में, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है मध्य की, बाकी प्रत्यक्षात्मक या संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना, तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एसिमिलेशन में, देखो एसिमिलेशन की विशेषता, और ये भी एसिमिलेशन की विशेषता है, ठीक है, और जो आपकी एकोमोडेशन की है वो हो जाएगी दो नंबर ऑप्शन, आप ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली जिससे समझने आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये है कोलसेनिक, कोलसेनिक है के अनुसार है संकल्पना का पुनर्गठन क्या होता है, वॉट इज द, ये कह रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो हम उसे चिंतन बोलेंगे, सही है ना, यानी कोलसेनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या होगा, तो वो आपका चिंतन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर चार है, सॉरी चार कह रहा हूँ, 24 है, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है, अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, कैसे उत्साहित किया जाए, बच्चे के कार्य का निरीक्षण कराने के लिए, अधिक ट्यूशन प्रबंध कराने के लिए, ये तो गलत है, बाकी इसके बारे में चिंतित ना होना ये भी नेगेटिव बात है, शिक्षक को बार बार अंतःक्रिया करने के लिए, तो ऐसे कोई देर जरूरी नहीं है कि बार बार आप रोजाना पुराने बैठ जाएँ पेरेंट्स को, तो पहला ये हो जाएगा बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आप बुला सकते हैं, ठीक है, यानी जो भी पेरेंट्स हैं अभिभावक हैं उनको, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि जब एक परिचय तैयार करने के बाद है, एक शिक्षक प्राप्तांकों में निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों को प्रशासित करता है, तो वह निम्न में से जांचना चाह रहा है, तो जांचने के लिए बच्चों को प्रशासित करता है वह निम्न में से जांच रहा है, देखो प्राप्तांक है ना वो निरंतरता को जांचने के लिए कर रहा है एक ही आयु वर्ग के बच्चों में, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे विश्वसनीयता, यानी समान आपके जो कह सकते हैं प्राप्तांक आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिविटी भी थी इसमें ऑप्शन ये वाला, लेकिन हम इस पर ही जाएंगे दो नंबर ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसका या किसको विद्यालय में समाजीकरण का विशिष्ट अवस्था मानी जाती है, तो वो बाल्यावस्था, इसी में आपकी समाजीकरण का विकास होता है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में व्यक्ति भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से। ठीक है, यही अंतःक्रिया होगी। देखो तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, विभिन्नता। जब विभिन्नता नहीं होगी क्या होगी, अंतःक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर इसमें चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? विषय का ज्ञान शिक्षक से संबंधित, संप्रेषण का कौशल शिक्षक से संबंधित, फिर है और आपका विद्यार्थियों से जुड़ाव, ये भी शिक्षक का रोल है। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता ये शिक्षक का काम नहीं है, ये आपकी जो भी स्कूल का मैनेजमेंट होता है, जो BO होता है तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DO होता है, और उससे बड़े अधिकारी वगैरह जो भी होते हैं वो आते हैं, या पूरा सिस्टम कह सकते हैं सरकार होगी इसकी जिम्मेदार, जो स्टेट लेवल पे होगी। नेक्स्ट है 29 नंबर, ये कह रहा है कि एक 5 वर्ष के बालक का चेतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो 5 वर्ष का बच्चा है अभी, तो वो बच्चा होता है तो 5 वर्ष का, तो देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो पाई नहीं जाएगी, डायरेक्टिंग थिंकिंग ये भी नहीं पाई जाएगी। अब देखो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग है ना, ये कम से कम 7 वर्ष से तो ऊपर होना चाहिए बच्चा, जो कि वो अगर 5 वर्ष तो हम जाएंगे मूर्त चिंतन में, यानी उसके सामने जो चीज़ होगी ना उसे देख के ज़्यादा सीखेगा, और कहीं ना कहीं मूर्त चिंतन है ये 2 से 7 वर्ष पाई जाती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो अवस्था जीन पे आ जाएगी उससे संबंधित हो जाएगा। क्योंकि अरे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि यूँ नहीं होगा कि पर्टिकुलर इसमें कोई पूछा था नहीं किसके अनुसार, हमें तो एक लॉजिक ये देना था कि 5 वर्ष का बच्चा है उसका जो चिंतन है यानी बालक का चिंतन है वो किस प्रकार का होगा, तो मूर्त होगा ज़्यादा, यानी मूर्त चीज़ें महसूस कर पाए टच करके उसे ज़्यादा सीखेगा, तो इस प्रकार का होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबंधित करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहली बार देखा है कि इसमें कोट लेवन का क्वेश्चन पूछा है, यानी जो लाइफ साइकिल है ना इसकी बात करते हैं कोट लेवन। एक चीज़ ध्यान रखना कोट लेवन की, मैं एक अच्छी चीज़ देखता हूँ, इन्होंने बुद्धि में तरल एक सिद्धांत दिया था जिसमें बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, यानी बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, वर्गीकरण है, तो उनमें 2 प्रकार के किए थे, एक तो तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि होती है ना ये जन्मजात होती है, आनुवंशिकी से संबंधित होती है, ठीक है, और जो ठोस होती है वो फिर अर्जित होती है ये वातावरण से, ठीक है, तो हम ध्यान रखना है ये आपकी हेरिडिटी या बायोलॉजिकल या आप कह सकते हैं जन्मजात से संबंधित होती है तरल बुद्धि, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी थोंडा तो आप जानते होंगे ऐसा थ्योरी दी थी जिसमें 3 मुख्य नियम और 5 कोड नियम, कोहलर है वो आपको कोहलर तो मालूम होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे, ये कोहलर है यार, कोहलबर्ग नहीं है, ये कोहलर है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके गेस्टाल्टवादी, ठीक है, गेस्टाल्टवादी ये आपके इनसाइट थ्योरी है ना उसे संबंधित है, इन्होंने ये चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, ठीक है, कैनारी द्वीप पर चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले कोहलर थे। स्किन रही ये बात करते हैं RS ऑपरेस कंडीशन थ्योरी, यानी रेस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, या ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी उसकी भी बात करते हैं, प्रतिबद्धता का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, तो ये स्किनर से ही संबंधित है। बाकी स्किनर ने तो बहुत सारी चीज़ें की है, तो इस प्रकार है हम ये कह सकते हैं ओवरऑल हमने 30 क्वेश्चन देख लिए, और क्वेश्चन ये 2012 ही रखे हैं, ठीक है, पुराने हैं, जब उस टाइम पर आपके 30 क्वेश्चन सभी के पूछे जाते हैं, ठीक है, और बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।